तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है, टमाटो जिसको हमें जब कद्दूकस करेंगे उसके बाद इसमें से जूस निकलेगा वो हमें चाहिए, यानी कि टमाटो पल्प। ये हमारा टमाटो पल्प हो चुका है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना 1 टेबल स्पून ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, थोड़ी सी हल्दी टर्मरिक, उसमें तो एक हाफ लेमन स्क्वीज कर लेना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये इस तरह का हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, इस तरह की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अब मैं इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। टमाटो हमारी स्किन को नेचुरली ग्लो देता है, वाइट बनाता है, हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है, अनइवन स्किन टोन को इवन करता है टोन को। हल्दी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो बढ़ती एज में हमारे रिंकल्स को रिमूव करती है, स्किन को ग्लो देती है, ब्लैमिशेस को रिड्यूस करती है एंड एक्ने स्कार्स को भी रिड्यूस करती है। लेमन हमारे स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है, एक्ने ट्रीट करता है एंड रिड्यूस करता है डार्क स्पॉट एंड लाइट ब्राइट करता है एंड टैनिंग भी रिमूव करता है, कालापन जो होता है हमारी स्किन पर। एंड बेसन बहुत अच्छा क्लिंजर है एंड एक्सफोलिएटर है, बहुत अच्छा काम करता है, हमारे स्किन पर ग्लो देता है। तो आप इसको कितनी भी देर रख सकते हैं, खास करके 20 मिनट तो रखें, मैं इसको 10 मिनट रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, सारे वाइट हेड ब्लैक हेड्स ये भी हट जाते हैं, अलग सा नेचुरल ग्लो आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है विंटर में स्पेशली ये वाला फेस पैक, काफ़ी अच्छा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इसको। सो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।